देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। राज्यसभा में मणिपुर को लेकर एक बार फिर यहां विपक्ष का हंगामा होता हुआ नजर आया। मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा विपक्ष एक बार फिर से, पीयूष गोयल ने ये बात कही और हंगामे की वजह से राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार ने, तो लीडर पार्टी और पहले दिन सदन में स्वीकृति दी और हमने कहा कि इसमें चर्चा हो, आपकी अनुमति से चर्चा को सदन में रखा भी गया, लिस्ट भी किया गया बिजनेस का, उसके बाद ये भाग रहे हैं चर्चा से। बड़ी शर्मनाक बात है, इनके दिल में मणिपुर के लिए कोई संवेदना नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चर्चा में इनके जो पोल है ये ना खुले, और ये जो भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से इसका मैं निंदा करता हूँ, और राजस्थान के ऊपर चर्चा आपसे सीखा आप स्वीकार करें ऐसा अनुरोध करता हूँ, और जल्द से जल्द उसको लिस्ट किया जाए और तुरंत लिस्ट करके राजस्थान के गंभीर विषय के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए।